एपिसोड 2 का फर्स्ट सीन ये प्रीवियस एपिसोड के सीन से ही स्टार्ट होता है। वॉल्टर बेस से उठता है और ज़रा फैशनअप हो जाता है। उसके बाद 20 आवर्स पहले क्या हुआ था, वहाँ से स्टोरी फिर से स्टार्ट होती है। जो कार डीच में गई थी उसे बाहर वो निकालते हैं। टो ट्रक वाले को पैसे भी वो उस ड्रग डीलर के ही देती थी, जो पैसे अब गीले हो चुके हैं। वही गीले पैसे फर्स्ट एपिसोड के एंडिंग में हमें ड्रायर में सूखते हुए दिखे थे। वॉल्टर जेसी को बोलता है, अभी आरवी हम तुम्हारे घर लगाएंगे और इस मेस को साफ करेंगे, उसके बाद हम हमारे सेपरेट रास्ते पर चले जाएंगे। उन दोनों को डाउट होता है कि आरवी स्टार्ट होगी या नहीं। आरवी स्टार्ट तो हो जाती है, पर पीछे से कुछ आवाज़ आ जाता है। वो जब देखते तो उन्हें पता चलता है कि वो ड्रग डीलर अभी भी जिंदा है। और एक लॉन्ग शॉट में हमें दिखता है कि जेसी का मास्क वहाँ डेजर्ट में ही पड़ा हुआ है। अब हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। जब मैंने बोला था कि वॉल्टर बेड से उठने के बाद फ्रेश होता है, तो वही वो सो जाता है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट के लिए जब आता है तो कन्वर्सेशन ज़रा ऑकवर्ड हो जाती है। वॉल्टर जूनियर को लगता है कुछ ऑफ है, पर तभी जेसी का कॉल आ जाता है। जेसी एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होने का ढोंग करता है। वॉइस मैसेज पर जाने के से पहले ही वॉल्टर जाकर कॉल को रिसीव कर लेता है। जैसे उसको बताता है कि ड्रग डीलर अभी भी जिंदा है, वैन में अभी भी उसका साउंड आ रहा है। स्काइलर को यह थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है वो कॉल, इसलिए कॉल बंद होने के बाद जब वॉल्टर घर से बाहर निकल जाता है तो स्काइलर फिर से रिडायल करती है और जेसी का अटपटा सा मैसेज, वॉइस कॉल का मैसेज वो सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि वॉल्टर कुछ झूठ बोल रहा था। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर बच्चों को कायरलिटी के बारे में बता रहा होता है। कायरलिटी मतलब एक ही सेम एलिमेंट्स के अगर पोजीशन चेंज कर दो तो वो बदल जाता है, उसका नेचर बदल जाता है। ये सीन रिप्रेजेंट करता है वॉल्टर के चेंज को। जब उसे कैंसर नहीं हुआ था तो उसकी पोजीशन अलग थी, उसके लाइफ का पर्सपेक्टिव अलग था। जब उसे पता चला कि वो उसे कैंसर है, तब उसके बाद उसके लाइफ ने एक वायलेंट रूप ले लिया है। वो अपने लेक्चर में ये भी बताता है कि पूरे ऑपोजिट इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं सेम एलिमेंट्स से। यही ऑपोजिट इफ़ेक्ट्स हमें अभी वॉल्टर में दिखाई दे रहे हैं। वॉल्टर अपने स्कूल से थोड़ा सा HCl चुरा लेता है। जब जेसी अपने घर में होता है और ज़ख्मों पर थोड़ा सा मेकअप लगा रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। जब वैन में देखने जाता है तो उसे ब्लाइंड फोल दिखती है जो निकाली हुई होती है। इसका मतलब जब वो चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि ड्रग डीलर यहाँ से भाग चुका है। पर वॉल्टर भी जैसे कि घर पहुंच रहा हुआ होता है, तब जब रास्ते में वॉल्टर को ये ड्रग डीलर दिखाई देता है, जोम्बी जैसे वो चल रहा होता है। जब वॉल्टर गाड़ी घुमाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो भागने लगता है और पेड़ से टकरा जाता है और वही बेहोश हो जाता है। यहाँ स्काइलर का डाउट अभी भी गया नहीं है, तो इसलिए वो कॉल ट्रेस करने में लग जाती है। जब वो नंबर बैक ट्रेस करती है तो जेसी का नाम और उसका पता उसको मिल जाता है। उसके बाद जब वो जेसी की वेबसाइट पर जाती है, बहुत ही अटपटी वेबसाइट, तो उसके वेबसाइट के नीचे उसके एजुकेशन में वॉल्टर जिस स्कूल में पढ़ाता है उस स्कूल का नाम लिखा हुआ होता है। इससे उसे पता चल जाता है कि उसके किसी वॉल्टर के किसी स्टूडेंट का उसे फ़ोन आया था। वॉल्टर और जेसी वॉल्टर की गाड़ी से ड्रग डीलर को निकाल कर अपने बेसमेंट में, जेसी के बेसमेंट में उसे छिपा देते हैं। जब वो ऊपर आते हैं तो वॉल्टर जेसी से पूछता है कि जो डेड बॉडी वैन में है वो सच में डेड है क्या। तो जेसी बोलता है कि वो श्योर नहीं है, पर उसे तो डेड ही लग रही होती है। नेक्स्ट वॉल्टर ड्रग डीलर के बारे में पूछता है, तो जेसी उसे कहता है कि इसका नाम क्रेजी एट है। ये किसी स्ट्रीट में ड्रग डील नहीं करता, तो ये सब का बॉस है और ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर काम करता है। तो वॉल्टर उसे बोलता है कि ये एक बिजनेसमैन है, तो क्या ये कोई भी डील करने को राज़ी होगा। तो जैसे उसे बोलता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो हमारी पूरी फैमिली को मार देगा। तो ये दो प्रॉब्लम उनके सामने होती है, क्रेजी एट का क्या करे और क्रेजी एट के कज़न का क्या करे। वॉल्टर जैसे को बताता है अगर हमें डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है तो हमें एसिड में उसे मेल्ट कर देना चाहिए, यही हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। जैसे उसे बताता है कि मुझे डेड बॉडी से कोई डील नहीं करनी, पर क्रेजी एट बेसमेंट में आवाज़ कर रहा होता है तो क्रेजी एट को बांध भी देना पड़ता है। तो जेसी अपने मोटरसाइकिल का जो लॉक होता है उससे क्रेजी एट को लॉक कर देता है।
वॉल्टर बताता है कि अब ये दो सिचुएशन है तो हम हेड्स या टेल्स कर लेते हैं। जेसी कहता है कि वो डेड बॉडी को ठिकाने लगा देगा, पर उसे क्रेजी एट को मारने का उससे काम नहीं होगा। जेसी टॉस जीतता है। अब जेसी एक कंटेनर बाय करने जाता है जिसमें उसे बॉडी मेल्ट करनी होती है। वो वॉल्टर को कॉल करके पूछता है कि कौन सा कंटेनर लेना है, तो वॉल्टर बताता है कि पॉलीइथिलीन। जब वो वॉल्टर से पूछता है कि मुझे ज़रा कमज़ोर लग रहा है, ये एसिड में नहीं टिक पाएगा। वॉल्टर उसे कहता है कि तुम्हें केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर उसके बाद जेसी एक कंटेनर उठा लेता है और एक कोने में जाकर उसमें बैठने की कोशिश करता है। देखता है कि डेड बॉडी फिट होगी भी या नहीं। बहुत ही फनी सीन है ये। जेसी वॉल्टर को पूछता है कि उसने क्रेजी एट सिचुएशन को हैंडल किया या नहीं। वॉल्टर उसको बोलता है कि वो ढूंढ रहा है इसका सोल्यूशन। वॉल्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग करता रहता है कि कैसे उसे क्रेजी एट को मारना है। तभी उसे आइडिया आता है कि प्लास्टिक के बैग से इसका दम घोटकर में हम इसे मार सकते हैं। जब वो उसे मारने जाता है तो क्रेजी एट जगा हुआ होता है और उससे बातें करने लगता है। तभी वॉल्टर डर जाता है और ऊपर चला जाता है। क्रेजी एट उसे बोलता है कि उसे प्यास लगी है, तो इसलिए वो फ्रिज खोलता है और उसके लिए कुछ खाना लाता है। और वो सब सप्लाइज क्रेजी एट को दे देता है, उसको टॉयलेट पेपर, खाना, पानी, इवन हैंड वॉश भी उसे देता है। ऊपर जाकर उसे जेसी का वीड मिलता है और वो कुछ स्मोक करने लग जाता है। इससे हमें पता चलता है कि क्रेजी एट की सिचुएशन को उसने ज़रा पोस्टपोन कर दिया है। तब जेसी घर आता है। घर आकर पूछता है कि उसने क्रेजी एट को मारा है नहीं। क्रेजी एट के खांसने का आवाज़ आता है और वॉल्टर उसे बताता है कि मैं ये कल कर दूंगा। जेसी को भी बहुत बड़ा कंटेनर नहीं मिलता जिसमें वो डेड बॉडी को मेल्ट कर सके। नेक्स्ट सीन आता है स्काइलर की सोनोग्राफी। डॉक्टर उनसे पूछती है कि आपको जेंडर पता करना है, तो वो दोनों हाँ बोलते हैं और वॉल्टर को पता चलता है कि एक गर्ल होने वाली है। वो खुश होता है पर वो बाद में दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी को बड़ा होता नहीं देख सकता। तब स्काइलर उससे पूछती है कि ये जेसी कौन है। वॉल्टर उससे बताता है कि वो कोई भी नहीं है। स्काइलर उससे पूछती है कि उसके वेबसाइट पर तुम्हारे स्कूल का नाम था, क्या ये तुम्हारा पुराना स्टूडेंट था? वो एक ड्रग एडिक्ट की तरह लग रहा है। तो वॉल्टर उसे बड़े इंटेलिजेंटली बताता है कि ये मुझे मैरुआना सेल करता है, मुझे ये अच्छा लगने लगा है थोड़ा थोड़ा। वो उसे फर्दर बताता है कि मैं मुझ जैसा महसूस नहीं कर रहा, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये चेंज नहीं होने वाला। तो मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तुम अभी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इस तरह से वॉल्टर उसे झूठ बोलकर अपने आप को सेव कर लेता है। जेसी अपना करेज गैदर करके बॉडी को वैन से बाहर निकालता है और वो अपने घर में लेने ले जाने ही वाला होता है। तभी स्काइलर उसके घर पर आ जाती है। स्काइलर को देखकर उसकी फट जाती है और वो स्काइलर को वही दरवाजे पर रोक लेता है। स्काइलर उसे धमकाती है अगर उसने वॉल्टर को मैरुआना बेचना बंद नहीं किया तो वो अपने सिस्टर के हस्बैंड को कंप्लेंट कर देगी, क्योंकि वो DEA है, यानी कि हैंक को वो कंप्लेंट कर देगी। और वो उसको ये भी बता दे जाती है कि उसे अपना प्रोफेशन चेंज कर लेना चाहिए। ब्रेकिंग बैड की यही खासियत है, ये बहुत बार सरकेस्टिक, फनी, डार्क कॉमेडी की तरह लगता है, पर सब इसमें ग्रेट है। डायलॉग, कैरेक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें। स्काइलर के घर जाने के बाद जेसी बॉडी को लेके सेकंड फ्लोर पर उसके बाथ टब में डाल देता है और बाथ टब में ही वो HCl पूरा एम्प्टी कर देता है। वो नीचे आके बैठता है और जब वॉल्टर घर पर आता है तो उनमें थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है कि क्यों उसने अपनी वाइफ को बताया कि वो उसे मैरुआना सेल कर रहा है। वॉल्टर उसे बताता है कि ये थोड़ा सा कन्वीनियंट था इसलिए उसने बताया था। जेसी बोलता है कि मैंने डेड बॉडी की सिचुएशन को संभाल लिया है, पर बेसमेंट में क्रेजी एट को अभी भी तुमने नहीं मारा। तो वॉल्टर हैरान हो जाता है और उसे बाथटब के बारे में पूछता है। जब वो बाथटब देखने जा रहा होता है तभी HCl बाथटब के साथ पूरी सीलिंग को भी मेल्ट कर देता है और पूरे डेड बॉडी के बॉडी ऑर्गन्स फ्लोर पे पड़ जाते हैं। ये सीन यही ख़त्म होता है। और नेक्स्ट सीन में जो जेसी का मास्क डेजर्ट में गिर गया था, वो मास्क दो बच्चों को खेलते खेलते मिल जाता है और बच्ची उस मास्क को पहन लेती है। यही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।